हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर सिक्स. चैप्टर सिक्स एक्सरसाइज 6.1, क्लास 12th. अब इस 6.1 में हमारे पास क्या है, देखो इसके अंदर हमारे पास दे रखा है रेट ऑफ चेंज. रेट ऑफ चेंज हमारे पास क्या होता है, कोई भी हमें रेडियस दे रखी है या फिर कोई भी हमारे पास लेंथ ब्रेथ हो सकती है, वो हमारे पास ये बोल रखा है कि किस रेट किस से चेंज हो रही है, कि हमें उसकी ये निकालने किस रेट से चेंज हो रखी. जैसे एक बैलून है, बैलून के अंदर जब भी हम हवा भरना स्टार्ट करते हैं तो वो किस रेट से चेंज हो रहे हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, रेट ऑफ चेंज. कैसे निकालते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ ए सर्कल. एरिया ऑफ सर्कल है वो किस रेट से चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस आर. अगर उसकी जो रेडियस है वो हमारे पास क्या है, आर. व्हेन, अब देखो, लेट हमने मान लिया कि एक्स है हमारे पास क्या, डिनोट द एरिया ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस वेरिएबल रेडियस आर. आर हमारे पास रेडियस है और एक्स हमारे पास क्या हो गया, एरिया ऑफ सर्कल हो गया. तो एरिया ऑफ सर्कल एक्स, एक्स से डिनोट कर रखा है हमने एरिया ऑफ सर्कल को. और एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्केयर, पाई आर स्केयर. अब रेट ऑफ चेंज, अब जो हमारे पास चेंज है, जो एरिया है वो किससे चेंज होगा, रेट से चेंज होगा, क्योंकि जितनी रेडियस कम होती जाएगी तो एरिया कम होता जाएगा. अगर हमारे पास रेडियस बढ़ती जाएगी तो एरिया भी बढ़ता जाएगा. तो किससे चेंज हो रहा है, रेडियस से. तो हम क्या करेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया एक्स विद रिस्पेक्ट टू आर, किसके रिस्पेक्ट में चेंज होगा, रेडियस के रिस्पेक्ट में कौन चेंज होगा, एरिया. तो क्या आ जाएगा, डी एक्स बाई डी आर, एरिया चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू रेडियस. तो डी एक्स बाई डी आर इज इक्वल टू, इसका हमने डेरिवेटिव कर दिया, पाई हमारे पास एज इट इज रहेगा, आर स्केयर का अगर हम डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आ जाएगा, टू आर. अब हमारे पास इसको क्या आया, 2 पाई आर. अब फर्स्ट में हमें दे रखा है व्हेन आर इज इक्वल टू 3, आर हमें 3 दे रखा है तो रेडियस हमारे पास 3 हो गई. तो क्या आ जाएगा, डी एक्स बाई डी आर इज इक्वल टू 2 पाई, आर की वैल्यू 3 पुट कर देंगे, 3 टू जहाँ 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वेयर पर सेकेंड. हमेशा किस में चेंज होगा, सेंटीमीटर स्क्वेयर पर सेकेंड, क्योंकि हमें क्या दे रखा है, सेंटीमीटर में दे रखा है, तो सेंटीमीटर पर स्क्वेयर और सेकेंड में होगा चेंज. When r is equal to 4 सेंटीमीटर, अब रेडियस हमें 4 सेंटीमीटर दे रखी है तो 2 पाई और क्या रख देंगे, 4, r की जगह पे 4 टू जा 8 पाई सेंटीमीटर स्क्वेयर. स्क्वेयर क्यों लगाया, क्योंकि एरिया है और पर सेकेंड. नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीज एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड. ये बोल रखा है वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब, एक जो क्यूब है उसकी वॉल्यूम चेंज हो रही है. इन वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीजिंग, इंक्रीज हो रही है किससे, एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड. तो हमारे पास एक क्यूब है उसकी वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है. हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीज, उसका सरफेस एरिया किस स्पीड से इंक्रीज होगा, व्हेन द लेंथ ऑफ एन एज इज 12 सेंटीमीटर. अगर हमारे पास जो क्यूब है उसकी लेंथ कितनी है, 12 सेंटीमीटर है एज इज की. लेट एक्स बी द एजेज ऑफ यू क्यूब, हमने क्या मान लिया, एक्स हमारे पास क्या है, एज है किसका, क्यूब का. एंड वाई बी द सरफेस एरिया ऑफ क्यूब एट एनी टाइम टी, और वाई हमारे पास क्या है, सरफेस एरिया को नोट कर रखा है. रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम ऑफ क्यूब, और रेट ऑफ इंक्रीज है, जो रेट ऑफ इंक्रीज है वो वॉल्यूम का, क्यूब की वॉल्यूम का, वो किस स्पीड में दे रखा है, 8 सेंटीमीटर स्क्वेयर पर सेकंड की स्पीड से दे रखा है. अब हम इसका करेंगे क्यों, क्योंकि हमारे पास वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, साइड का क्यूब होता है. तो साइड हमारे पास कितनी थी, एक्स, तो एक्स का क्यूब कर देंगे, उसका चेंज निकालेंगे. तो डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब किसके इक्वल दे रखा है, 8 के इक्वल, इसका डेरिवेटिव कर देंगे 3x स्क्वायर dx बाय dt. क्यों, किसके अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है, टाइम के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है, तो विद रिस्पेक्ट टू t करेंगे. dx बाई डी टी इज इक्वल टू 8 आ जाएगा. अब dx बाई डी टी इज इक्वल टू 8, इसको इधर लेके आए, 8 बाई 3x स्क्वायर, इसको इक्वेशन फर्स्ट नाम दे दिया. y हमारे पास क्या दे रखा है, 6x स्क्वायर होता है. क्यों, क्योंकि y हमारे पास क्या है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, और सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, 6 इंटू साइड स्क्वायर होता है. तो क्या आ जाएगा, वाई इज इक्वल टू 6x स्क्वायर. रेट ऑफ चेंजेस का निकालना है हमें, हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग, किस स्पीड से इंक्रीज हो रहा है. तो उसके लिए हमने निकाला रेट ऑफ चेंज ऑफ इंक्रीजिंग सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब, डी वाई बाई डी टी, टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होगा, इज इक्वल टू 6 एज इट इज. एक्स स्क्वायर का करेंगे तो क्या आ जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर का विद रिस्पेक्ट टू टी कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 एज इट इज रहेगा, और एक्स स्क्वायर का क्या आ जाएगा, 2x, और एक्स का क्या हो जाएगा, डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू 6 टू जा 12x
मल्टीप्लाई डी एक्स बाई डी टी की हमने वैल्यू निकाल रखी थी, फर्स्ट में क्या थी 8 बाई 3 एक्स स्क्वेयर, 3 से कैंसिल कर देंगे 4, एक एक्स से एक एक्स कैंसिल, 4 8 जहाँ 32 बाई एक्स सेंटीमीटर स्क्वेयर पर सेकेंड। लास्ट में हमें क्या दे रखा था कि एजेस की लेंथ हमारे पास कितनी है 12 सेंटीमीटर, तो क्या रखेंगे पुट एक्स इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू 32 बाई 12, कैंसिल कर देंगे 8 बाई 3 सेंटीमीटर स्क्वेयर पर सेकेंड। अब हमारे पास पॉजिटिव है तो इंक्रीज हो गया, और अगर ये नेगेटिव आता तो क्या होता डिक्रीज। तो सिंस डी वाई बाई डी टी इज पॉजिटिव देयर फॉर सरफेस एरिया इज इंक्रीज, अगर हमारे पास ये पॉजिटिव है तो सरफेस एरिया इंक्रीज हो रहा है एट द रेट ऑफ, और किस रेट से इंक्रीज हो रहा है 8 बाई 3 सेंटीमीटर स्क्वेयर पर सेकंड की स्पीड से इंक्रीज हो रहे हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारे पास क्या है, स्टेटमेंट देखो, द रेडियस ऑफ इस सर्कल इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। रेडियस ऑफ सर्कल, एक सर्कल है उसकी जो रेडियस है वो इंक्रीज हो रही है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड की स्पीड से। फाइंड द रेट ऑफ विच द एरिया ऑफ द सर्कल इज इंक्रीजिंग, हमें बताना है कि किस रेट से जो एरिया ऑफ सर्कल है वो इंक्रीज हो रहा है व्हेन द रेडियस इज 10 सेंटीमीटर, जब हमारे पास रेडियस कितनी है 10 सेंटीमीटर। तो हमने आर हमने क्या मान ली, रेडियस मान ली, ए को हमने किससे नोट कर लिया एरिया, सर्कल है 10 ए, टाइम किसके रिस्पेक्ट में चेंज होगा, टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होगा। तो रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ एरिया, रेडियस ऑफ ए सर्कल, जो रेडियस ऑफ सर्कल है वो किस स्पीड से इंक्रीज हो रही है 3 सेंटीमीटर पर सेकंड से, तो इट मींस रेडियस है वो चेंज हो रही है टाइम के अकॉर्डिंग, डी आर बाई डी टी इज पॉजिटिव एंड 3 सेंटीमीटर पर सेकंड ये इंक्रीज हो रही है तो पॉजिटिव है, पॉजिटिव है तो क्या आएगा 3 सेंटीमीटर पर सेकंड, पॉजिटिव लिख दिया हमने। डी आर बाई डी टी हमारे पास क्या आया 3, इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। अब हमें किसके लिए निकालना है, एरिया ऑफ सर्कल के लिए, तो एरिया हमारे पास क्या होता है पाई आर स्क्वेयर, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल ए का क्या आ जाएगा विद रिस्पेक्ट टू टी कर देंगे, डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू पाई आर स्क्वेयर का 2 आ गया जाएगा 2 पाई आर, और आर का हमारे पास क्या आएगा डी आर बाई डी टी, डी ए बाई डी टी 2 पाई आर, आर डी आर बाई डी टी की वैल्यू कितनी है 3, 2 3 जहाँ 6 पाई आर सेंटीमीटर स्क्वेयर पर सेकेंड। फिर हमारे पास दे रखी थी लास्ट में कि रेडियस हमारे पास क्या है 10 सेंटीमीटर, तो डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू 6 पाई आर की वैल्यू 10 रख देंगे, 10 6 जहाँ 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वेयर पर सेकेंड। तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा, जो एरिया है वो किस स्पीड से इंक्रीज हो रहा है एट द रेट ऑफ 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वेयर पर सेकेंड की स्पीड से इंक्रीज हो रहा है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, एन एज ऑफ ए वेरिएबल क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। एज ऑफ ए वेरिएबल, हमारे पास एज है वो एक वेरिएबल है क्यूब का, इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ, और किस स्पीड से इंक्रीज हो रहा है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। हाउ फास्ट इज द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इंक्रीजिंग, क्यूब की जो वॉल्यूम है वो किस स्पीड से इंक्रीजिंग होगी वेन द एज इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, अगर एज की हमारे पास लेंथ कितनी है 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो देखो कैसे आएगा, लेट एक्स बी द एज एंड वाई बी द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब वेरिएबल क्यूब एट एनी टाइम टी। एक्स को हमने क्या मान लिया एज मान लिया, और वाई को हमने क्या मान लिया वॉल्यूम ऑफ क्यूब मान लिया। तो रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ एज, एज की जो एज है हमारे पास वो किस रेट से इंक्रीज हो रहा है 3 सेंटीमीटर पर सेकंड। अब एज को हमने किससे मान रखा है एक्स से विद रिस्पेक्ट टू टी होगा, डी एक्स बाई डी टी इज पॉजिटिव इंक्रीज हो रखा है तो क्या आया 3 सेंटीमीटर पर सेकंड, तो क्या आ जाएगा डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर पर सेकंड इक्वेशन फर्स्ट। फिर है वाई हमारे पास क्या वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वाई हमारे पास क्या आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है साइड क्यूब, तो एक्स का क्यूब आ जाएगा। अब वाई इज इक्वल टू हमारे पास क्या आया एक्स क्यूब, वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम ऑफ क्यूब डी वाई बाई डी टी, ये वाई का क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी टी, और एक्स क्यूब क्या क्या आ जाएगा इसका हम डेरिवेटिव कर देंगे क्या आ जाएगा 3x स्क्वायर, और एक्स का हमारे पास क्या आएगा डी एक्स बाई डी टी। अब 3x के रेज इट इज़ dx by dt का हमारे पास क्या दे रखा था 3 3 3 जहाँ 9x स्क्वेयर। फिर पुट करेंगे x इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, क्यों, क्योंकि रेडियस हमें 10 दे रखी थी, एज इज तो एज इज अगर हमारे पास 10 है तो हमारे पास क्या रख दिया dy by dt इज इक्वल टू 9, और 10 का स्क्वेयर, 10 का स्क्वेयर क्या आ जाएगा 100, 100 9 जहाँ 900 सेंटीमीटर क्यूबिक पर सेकेंड। अब वॉल्यूम है, वॉल्यूम हमेशा क्यूबिक में होती है तो इसलिए क्यूबिक पर सेकेंड, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 900 क्यूबिक पर सेकेंड। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, ए स्टोन इज ड्रॉप्ड इन टू ए
एक्विट लेक है, एक लेक है, एक आपके पास झील का पानी दे रखा है, जोड़ का या कहीं भी देखो पानी दे रखा है, उसके अंदर क्या है, क्विट लेक, शांति से, जैसे आराम से, उसके अंदर कुछ भी हलचल नहीं है। स्टोन इज ड्रॉप्ड, उसके अंदर एक स्टोन छोड़ दिया गया। एंड वेव्स मूव्स इन सर्कल एट द स्पीड ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। और जब हमने उसको ऐसे उसके अंदर छोड़ दिया तो ऐसे ऐसे सर्कल से बनाना स्टार्ट कर देता है, मूव करना शुरू कर देता है। और वो किस स्पीड से मूव कर रहे हैं, 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। एट द इंस्टेंट वेन द रेडियस ऑफ द सर्कल वेव इज 8 सेंटीमीटर, एट द इंस्टेंट, जब इंस्टेंट में उसकी रेडियस ऑफ सर्कल है उसकी वेव कितनी, 8 सेंटीमीटर है, हाउ फास्ट इज द इनक्लोज्ड एरिया इंक्रीजिंग, तो उसका जो इनक्लोज्ड एरिया है वो किस स्पीड से इंक्रीज हो रहा है। देखो एक्स हमारे पास रेडियस हो जाएगी और वाई हमारे पास क्या आ जाएगा, इनक्लोज्ड एरिया आ जाएगा ऑफ द सर्कुलर वेव एट एनी टाइम टी। रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ रेट रेडियस ऑफ सर्कल वेव, सर्कल की जो वेव है, जो ऐसे वेव हैं उनके इंक्रीज होने की स्पीड क्या है, 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड इंक्रीज हो रखा है, तो dx/dt इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट। अब वाई हमारे पास क्या है, सर्कुलर शेप है, सर्कुलर शेप में अगर एरिया इंक्लोज्ड होगा तो सर्कल का हमारे पास क्या होता है, एरिया फुलना पाई आर स्क्वेयर, तो पाई आर हमारे पास रेडियस होती है, रेडियस हमारे पास क्या है, एक्स, पाई एक्स स्क्वेयर। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया क्या आएगा, dy/dt इज इक्वल टू पाई, और इसका एक्स स्क्वेयर का कर देंगे डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी, dy/dt इज इक्वल टू, इसको आगे लेके आएंगे 2πx, और x का हो गया dx/dt 2πx, और dx/dt की वैल्यू कितनी है, 5 × 5 = 10πx सेंटीमीटर स्क्वेयर पर सेकेंड। अब हमारे पास x कितना दे रखा है, 8 सेंटीमीटर, क्यों, क्योंकि ये दे रखा है कि उसकी जो वेव है उसके इंस्टेंट में हमारे पास रेडियस कितनी है, 8 सेंटीमीटर, तो dy/dt इज इक्वल टू 10π × 8 × 10⁻²/sec। सो एरिया ऑफ सर्कुलर वेव इज इंक्रीजिंग एट द स्पीड ऑफ 80π² / sec की स्पीड से इंक्रीज हो रहे हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.7 cm/s। रेडियस ऑफ सर्कल, एक सर्कल के जो रेडियस है वो चेंज हो रही है, इंक्रीज हो रही है 0.7 cm/s। वट इज़ द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इट्स सर्कमफ्रेंस, उसकी जो सर्कमफ्रेंस है वो किस रेट से इंक्रीज होगी। लेट एक्स बी द रेडियस, एक्स हमने रेडियस मान लिया और वाई हमने सर्कमफ्रेंस मान लिया ऑफ सर्कल एट एनी टाइम टी। रेट ऑफ इंक्रीज एट द रेडियस ऑफ सर्कल कितनी है, 0.7 cm/s। dx/dt कितना आ जाएगा, 0.7 cm/s। और y हमारे पास क्या है, y हमारे पास है सर्कमफ्रेंस, और सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr, r की जगह हमने x पुट कर दिया तो क्या आ जाएगा, 2πx आ जाएगा। रेट ऑफ चेंज ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल एट टाइम, तो dy/dt आ जाएगा 2π, और x का क्या आ जाएगा, dx/dt 2π, dx/dt दे रखा है 0.7, तो क्या आ जाएगा, 0.72 के मल्टीप्लाई कर देंगे 1.4π cm/s। ये था हमारे पास इसका चेंज एरिया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, द लेंथ x ऑफ ए रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 5 cm/min। लेंथ ऑफ एक्स, लेंथ कितनी है, एक्स है रेक्टेंगल की, इज डिक्रीज, चेंज हो रही, कम हो रही है, किस स्पीड से, 5 cm/min। एंड द विड्थ वाई इज इंक्रीजिंग, और जो हमारे पास विड्थ है उसकी चौड़ाई है वो इंक्रीज हो रही है, किस स्पीड से, 4 cm/min। व्हेन एक्स इज इक्वल टू 8, वाई इज इक्वल टू 6, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ, फर्स्ट में पेरीमीटर निकालना और सेकेंड में एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल। अब रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ लेंथ एक्स, एक्स है वो डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है तो नेगेटिव आएगा हमारे पास चेंज, dx/dt इज नेगेटिव, नेगेटिव है तो क्या लिख देंगे, -5 cm/min। डिक्रीज होगा तो नेगेटिव लिखते हैं और इंक्रीज होगा तो पॉजिटिव, तो dx/dt आया -5 cm/min, इक्वेशन फर्स्ट हो गया। और रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ विड्थ है वो हमारे पास इंक्रीज हो रही है तो वो किस स्पीड से, 4 cm/min, इंक्रीज हो रही है तो पॉजिटिव लिखेंगे, dy/dt इज इक्वल टू 4 cm/min, इक्वेशन टू हो गई। फर्स्ट में किस में निकालना था, चेंज हमें पेरीमीटर में निकालना है, तो जेड को हमने क्या मान लिया, पेरीमीटर। लेट जेड डिनोट द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल एट एनी टाइम टी, और पेरीमीटर का हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, 2 × length + breadth आ जाएगा, 2 के अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 length + 2 breadth, 2 और लेंथ हमारे पास कितनी है x, और ब्रेथ हमारे पास कितनी है, विड्थ हमारे पास y, 2x + 2y। अब हम विद रिस्पेक्ट टू t करेंगे चेंज, तो dz/dt इज इक्वल टू 2, और x का क्या आएगा, dx/dt + 2, और y का dy/dt,
टू डी एक्स बाई डी टी हमारे पास कितना है माइनस फाइव प्लस टू डी वाई बाई डी टी फोर है टू फाइव जा माइनस टेन प्लस टू फोर जा एट है माइनस टेन प्लस एट है माइनस टू आ जाएगा और नेगेटिव है तो क्या हो जाएगा विच इज नेगेटिव नेगेटिव है तो डिक्रीज हो गया सो पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ टू सेंटीमीटर पर मिनट। सेकेंड पार्ट में हमारे पास क्या है एरिया एरिया हमें निकालना है लेट जेड डिनोट्स द एरिया ऑफ रेक्टेंगल एट एनी टाइम टी। अब जेड को हमने किससे डिनोट कर लिया एरिया से एरिया का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ होता है तो लेंथ हमारे पास एक्स है ब्रेथ हमारे पास वाई है एक्स वाई डी जेड बाई डी टी इज इक्वल टू अब यू इंटू वी दो वेरिएबल है हमारे पास फर्स्ट एज इट इज सेकेंड का डेरिवेटिव कर देंगे डी वाई बाई डी टी प्लस सेकेंड एज इट इज फर्स्ट का कर देंगे डी एक्स बाई डी टी। एक्स हमारे पास दे रखा है एट डी वाई बाई डी टी हमारे पास कितना दे रखा है फोर प्लस वाई हमारे पास दे रखा है सिक्स और डी वाई डी एक्स बाई डी टी दे रखा है माइनस फाइव एट फोर जाए थर्टी टू सिक्स फाइव जाए माइनस थर्टी माइनस कर देंगे टू आ जाएगा ये हमारे पास पॉजिटिव आया तो इंक्रीज हो गया सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ टू सेंटीमीटर पर मिनट है तो हम क्या बोल देंगे जो इसका रेक्टेंगल है रेक्टेंगल का जो एरिया है वो क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है किस स्पीड से टू सेंटीमीटर पर मिनट की स्पीड से इंक्रीज हो रहा है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर एट ए बैलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्पेरिकल ऑन इन्फ्लेक्शन इज बींग इन्फ्लेटेड बाई पम्पिंग इज 900 क्यूबिक सेंटीमीटर। एक बैलून है बैलून के अंदर हम क्या करते हैं जब हवा भरना स्टार्ट करते हैं तो क्या दे रखा है इन्होंने विच ऑलवेज रिमेन्स उसकी जो सेप है वो रिमेन्स चेंज हो रही है जब हम उसके अंदर हवा भर रहे हैं वो चेंज हो रही है इज बींग इन्फ्लेक्टेड बाई पम्पिंग जब हम पम्प कर रहे हैं इन 900 क्यूबिक सेंटीमीटर 900 क्यूबिक में दे दिया तो ये वॉल्यूम हो गई ऑफ गैस पर सेकेंड। फाइंड द रेट ऑफ विच द रेडियस ऑफ द बैलून इंक्रीज रेडियस बतानी है हमें किस स्पीड से इंक्रीज हो रही है व्हेन द रेडियस इज 15 सेंटीमीटर तो क्या बताना है रेट ऑफ विच द रेडियस ऑफ इंक्रीज कि जो रेडियस है वो किस स्पीड से इंक्रीज हो रही है जब हमारे पास रेडियस कितनी है 15 सेंटीमीटर। अब देखो एक्स हमारे पास क्या हो गया रेडियस ऑफ द स्पेरिकल बैलून क्योंकि जो बैलून है वो स्पेरिकल शेप का होता है तो एक्स हमारे पास क्या हो गई एक्स सेंटीमीटर है रेडियस ऑफ द स्पेरिकल बैलून किस टाइम के अकॉर्डिंग चेंज हो रही है तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है हमारे पास स्पेरिकल बैलून है स्पेरिकल बैलून की अगर हम स्पेरिकल की वॉल्यूम निकालते हैं तो क्या होता है फॉर्मूला वॉल्यूम ऑफ ए स्पीयर क्या फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर एस क्यूब हो जाएगा तो इस पर हमने अप्लाई किया डी ए बाई डी टी 4/3 पाई आर आर की जगह हमारे पास क्या है एक्स एक्स क्यूब इज इक्वल टू 900 हमें गिवन है। अब इसको अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो 4/3 पाई हमारे पास ये क्या है कॉन्स्टेंट है बाहर रख लिया इसको चेंज करेंगे एक्स क्यूब को क्या आएगा 3x² डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू 900 अब इसको कैंसिल कर दिया 3 से 3 कैंसिल 4th एज इट इज़ और पाई और x² 4x² डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू 900 इसको इधर लेके आएंगे तो डिवाइड में आएगा 900/4πx² अब x की वैल्यू हमारे पास दे रखी है 15 सेंटीमीटर तो डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू 900/4π मल्टीप्लाई 15 से जब हम इसको कैंसिल 4 से कैंसिल कर देंगे 15 से पहले 15 से कर दिया 15 6 या 90 और 0 एज इट इज़ फिर 15 से कर देंगे 4 से 4 कैंसिल हो गया क्या है 1/π सेंटीमीटर पर सेकेंड तो जो रेडियस है बैलून की वो किस स्पीड से इंक्रीज हो रही है 1/π सेंटीमीटर पर सेकेंड की स्पीड से वो इंक्रीज हो रही है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 ए बैलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्पेरिकल एक बैलून है जो स्पेरिकल शेप में हैज़ ए वेरिएबल रेडियस है उसकी जो रेडियस है वो वेरिएबल है फाइंड द रेट ऑफ रेट एट विच द वॉल्यूम इज इंक्रीज व्हेन द रेडियस व्हेन द लेटर इज 10 सेंटीमीटर जो हमारे पास क्या पूछ रखा है कि वॉल्यूम इज इंक्रीज वॉल्यूम वो किस स्पीड से इंक्रीज हो रही है विद द रेडियस व्हेन द लेटर इज 10 सेंटीमीटर जब कि हमारे पास रेडियस कितनी है 10 सेंटीमीटर है तो वॉल्यूम का हमारे पास क्या फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यूब 4/3 पाई एक्स क्यूब ऊपर वाले की तरह है बिल्कुल। अब इसकी वॉल्यूम में चेंज निकालना है तो क्या करेंगे डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 4/3 इसको आगे लेके आएंगे 3π x² क्योंकि जो वॉल्यूम है वो रेडियस के अकॉर्डिंग चेंज होगी अब हमारे पास 3 से 3 कैंसिल 4π x² अब एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या दे रखी है 10 सेंटीमीटर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 4π 10² 10² 100 आ जाएगा 104 जहाँ 400π तो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ इंक्रीजिंग है वो किट रेट से हो रखी है 400π सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड की स्पीड से वो इंक्रीज हो रही है।
ये थी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 to 9। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, थैंक यू।